दोस्तों, पिछले साल शुरू हुई कोरोना की महामारी ने इस दुनिया को बहुत सी ऐसी घटनाओं और वाक्यों से रूबरू करवाने का काम किया है जिसकी कल्पना उम्र भर के लिए लोगों के मन में एक सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। साथ ही इस दौरान हमने कई बेहतरीन कलाकारों को भी हमसे दूर होते हुए देखा है, जिनमें ऋषि कपूर, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, सरोज खान और राजीव कपूर जैसे नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में आज एक नाम और शामिल हो गया है जो हिंदी सिनेमा के साथ साथ पंजाबी सिनेमा के लिए भी एक बड़ी क्षति है। कल शाम ढलते ढलते खबर मिली कि पंजाबी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता सतीश कौल का कोरोना महामारी के चलते निधन हो गया। आज के इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद इस महान कलाकार की यादों को समेटने के साथ साथ इनके बेहतरीन कामों को एक ट्रिब्यूट देना है। तो चलिए, जीरो से हीरो बनने का यह सफर किस तरह लाचारी पर आकर खत्म हो गया, इसे समझने के लिए यह कहानी शुरू से शुरू करते हैं। सतीश कौल का जन्म 8 सितंबर 1954 को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल था, जो एक कश्मीरी म्यूजिक कंपोजर और सिंगर होने के साथ साथ कई सालों तक मुंबई दूरदर्शन के डायरेक्टर भी रहे थे। सतीश कौल की माँ का नाम उषा रानी कौल था और इनकी बहन का नाम सुषमा है। सतीश कौल ने श्रीनगर में बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर जवानी के जोश और फिल्मों का शौक उन्हें पूना ले आया, जहाँ इन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग में डिप्लोमा हासिल किया था। एक्टिंग स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद सतीश कौल ने अपना संघर्ष शुरू किया जो उन्हें पंजाबी सिनेमा तक ले आया, और यहां साल 1973 में शुरू हुए इनके करियर ने इन्हें साल दर साल पंजाबी सिनेमा का एक बड़ा नाम बना दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी हर कलाकार की तरह इनका सपना भी एक बॉलीवुड अभिनेता बनने का था, जो 1974 में आई फिल्म अंग से अंग लगा दे के जरिए प्रोड्यूसर शिव कुमार ने पूरा कर दिया। सतीश कौल हिंदी सिनेमा में तो एक हीरो के तौर पर खुद को स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन पंजाबी सिनेमा में इनके अभिनय का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। डेरा आशिकां दा, जट पंजाबी, शशि पुन्नू और पटोला जैसी फिल्मों के जरिए सतीश कौल ने पंजाबी सिनेमा में अभिनय की एक नई परिभाषा तैयार कर दी थी। इसके बाद पंजाबी सिनेमा में इनके काम को देखते हुए हिंदी सिनेमा में भी सतीश कौल को कई फिल्मों में छोटी बड़ी भूमिकाओं में देखा गया था। सतीश कौल बॉलीवुड की कुछ सफल और बड़ी फिल्मों में भी नजर आए, जिनमें ऐलान, हत्या, डांस डांस और राम लखन जैसे नाम शामिल हैं। सतीश कौल साल 1986 में सुभाष घई के निर्देशन में बनी फिल्म कर्मा में भी नजर आए। रोल छोटा था, लेकिन दिलीप कुमार के बेटे के रूप में एक बॉलीवुड फिल्म में काम करना सतीश कौल के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं थी। आगे पंजाबी सिनेमा का यह अभिनेता भारतीय टेलीविजन के कुछ यादगार सीरियल्स में भी नजर आया, जिनमें बीआर चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत और रामानंद सागर के विक्रम और बेताल का नाम प्रमुख है। बीआर चोपड़ा के महाभारत में इनके द्वारा निभाया गया देवराज इंद्र का किरदार सतीश कौल के करियर में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके चलते इन्हें भारत के घर घर में पहचाना जाने लगा था। पंजाबी सिनेमा में अपने करियर में इन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था, जिसके चलते सतीश कौल को पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन भी कहा जाने लगा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सिनेमाई दुनिया में कोई भी अभिनेता हमेशा के लिए बुलंदियों पर नहीं रह सकता है। पंजाबी सिनेमा में सुपरस्टार का तमगा हासिल करने के बाद भी जब हिंदी सिनेमा में सतीश कौल को वो मुकाम और काम नहीं मिला जो हर सुपरस्टार की चाहत होती है, तो इन्होंने अपने पास आने वाली हर हिंदी फिल्म को साइन करना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ बी ग्रेड की फिल्में भी शामिल थीं। यही कारण था कि बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बनने की चाहत रखने वाला यह कलाकार 90s के आखिरी सालों तक बॉलीवुड फिल्मों से गायब हो गया था। बॉलीवुड सिनेमा से दूर होने के बाद भी पंजाबी सिनेमा में सतीश कौल लगातार काम कर रहे थे, जिसके चलते साल 2011 में इन्हें पीटीसी फिल्म अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। कहा जाता है कि किसी क्षेत्र में बड़ा नाम बन जाने वाला हर व्यक्ति हजारों लोगों को कुछ नया करने का हौसला देता है। कुछ ऐसा ही सतीश कौल के साथ भी हुआ था। दरअसल शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो पहली शूटिंग देखी थी वो सतीश कौल की एक पंजाबी फिल्म का गाना था, जिसे देखकर ही शाहरुख खान ने एक्टर बनने का मन बनाया था। तो इस तरह पंजाबी सिनेमा के एक सुपरस्टार ने हिंदी सिनेमा को अपना एक नया सुपरस्टार देने में बड़ी भूमिका निभाई थी। सतीश कौल की शादी निम्मी सिंह से हुई थी, जो डरबन की रहने वाली थी, जिनसे इन्हें एक साल बाद एक बेटा भी हुआ, जिनका नाम ऋषभ है। लेकिन एक साल के बाद ही इनके
रिश्ते में कड़वाहट जगह बनाने लगी, जिसके चलते इनकी पत्नी डरबन चली गई। फिर कुछ समय बाद इन्होंने एक दूसरे से तलाक ले लिया था। यहाँ से इनकी जिंदगी में बदहाली, संघर्ष और अकेलेपन का सिलसिला शुरू हुआ, जो आखिरी सांस तक बदस्तूर जारी रहा। अपने पिता के कैंसर के इलाज में इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन हर कोशिश के बाद भी ये अपने पिता को बचा नहीं पाए और यह सदमा इनकी माँ सहन नहीं कर पाई, जिसके चलते कुछ समय बाद इनकी माँ का भी स्वर्गवास हो गया था। अपने अकेलेपन को दूर करने और पैसे कमाने के लिए इन्होंने लुधियाना में अपने नाम से एक एक्टिंग स्कूल की शुरुआत की, लेकिन मुसीबतों ने अब भी इनका दामन नहीं छोड़ा था। एक दिन जब सतीश कौल अपने घर में नहा रहे थे, तभी फिसलने से इनके कूल्हे की हड्डी टूट गई और इन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां 1.5-2 साल के समय में इनकी जमा पूंजी पूरी तरह खत्म हो गई। 300 फिल्मों में काम करने वाला यह अभिनेता अपनी लाचारी के चलते पाई पाई का मोहताज हो गया था, जहां इन्होंने कई लोगों से मदद की गुहार लगाई। बहुत सी झूठी दिलाशाएं और झूठे वादों के बीच इनकी मदद बॉलीवुड से सिर्फ जैकी श्रॉफ ने की थी। सतीश कौल ने बढ़ते कर्ज के चलते अपने आखिरी दिन लुधियाना के स्वामी विवेकानंद वृद्धाश्रम में बिताए और 10 अप्रैल 2021 के दिन अपने बेटे से मिलने की आखिरी इच्छा को मन में दबाए यह कलाकार दुनिया से विदा हो गया। नारा टीवी इस महान कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारा टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारा टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी यूट्यूब चैनल को।